नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो प्रोसेसर को, जो कि Ryzen 5 3500U प्रोसेसर उसके साथ Ryzen 3 5300U प्रोसेसर। ये जो दोनों प्रोसेसर है आपको 50,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि Ryzen 5 3500U प्रोसेसर आपको S15S, Asus View 14, Lenovo IdeaPad में देखने को मिल जाएंगे। एंड Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है, ये आपको SP14 पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरह से कंपेयर करते हैं और देखते हैं आपको 50,000 के अंदर कौन सा प्रोसेसर के साथ आपको जाना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद द वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दीप ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डिटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर रिलीज हुआ था 6 जनवरी 2019 को। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यह रिलीज हुआ है 6 जनवरी 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में। Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको 64-bit Gen Plus आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर सीपीयू देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में, यहाँ पर भी आपको 64-bit Gen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर सीपीयू देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थ्रेड्स के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको 12 नैनोमीटर की मिलेगी। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में, यहाँ पर आपको 7 नैनोमीटर की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको सेमीकंडक्टर का साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं सीपीयू स्पीड के बारे में। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको बेस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 3.7 GHz की। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर आपको बेस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 2.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 3.8 GHz की। तो ओवरऑल यहाँ पर सीपीयू स्पीड के बारे में बात करें तो Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको बेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। सो सीपीयू स्पीड के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं L1 केस के बारे में। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको 384 KB की मिलेगी। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको 256 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो L1 केस Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में बिगर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं L2 केस के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको L2 केस 2 MB की मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं L3 केस के बारे में। यहाँ पर भी दोनों ही प्रोसेसर में आपको 4 MB की मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं GPU के बारे में। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 1200 MHz की। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में, यहां पर आपको AMD Radeon 6 ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिलेगी 1500 MHz की। तो ओवरऑल यहां पर GPU के बारे में बात करें तो Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में बहुत ही पावरफुल देखने को मिल जाता है। सो GPU के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं RAM के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर में आपको 32 GB का RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2400 MHz की। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में, यहां पर आपको 4266 MHz का मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के मैक्सिमम बैंडविड्थ स्पीड के बारे में। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको 35.76 GB पर सेकेंड की मिलेगी, बट Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ स्पीड मिल जाएगा 68.27 GB पर सेकेंड की। ओवरऑल RAM के बारे में बात करें तो Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में आपको बेहतर RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो RAM के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको 15W का मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप में पावर कंजम्पशन बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं CPU टेम्परेचर के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। तो इसका मतलब है कि दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही गर्मी चल सकता है।
अब बात कर लेते हैं ECC मेमोरी सपोर्ट के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर में आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब जान लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेंच R20 से। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में सिंगल कोर में मिला है 360 पोर्ट एंड मल्टी कोर में 150 पोर्ट। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में यहां पर कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं फास्टमार्क CPU के बारे में। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर में मिला है 1799 एंड मल्टी कोर में 7934। यहां पर भी Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। Ryzen 5 3500U प्रोसेसर में आपको सिंगल कोर में मिला है 738 एंड मल्टी कोर में 2667। बट Ryzen 3 5300U प्रोसेसर में कितना मिला है यहाँ पर भी कहीं पर मेंशन नहीं हुआ है। अगर Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में मुझे कहीं भी पता चला तो मैं Instagram पे मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे Instagram पे फॉलो नहीं कर तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरे स्क्रीन पे मेरा Insta ID शो कर रहा होगा। तो ये रहा कंपेरिजन बिटवीन Ryzen 5 3500U प्रोसेसर विथ Ryzen 3 5300U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों ही प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो एक नया प्रोसेसर है, यहां पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा मिल जाता है, यहां पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिल जाता है, फास्टर टर्बो क्लॉक स्पीड भी देखने को मिल जाता है, फास्टर GPU देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको RAM भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। अगर हम Ryzen 5 3500U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, यहां पर एक ही प्रोस है, ये जो प्रोसेसर है आपको बहुत सारे लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो यहां पर Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, यहाँ पर भी मुझे Instagram पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूँ। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हाँ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से बेल आइकन है उसे भी दबा देना। अगर कुछ फ्यूचर में कुछ वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।